आमिर जमाल साहब ने कल और बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी होती है अपना खिलाड़ी अच्छा खेले, लेकिन कल यहाँ से भी बात हुई थी और जो कोई बात हुई कि इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू बी हम्बल, और खास तौर पर अगर सक्सेस कोई आपके हिस्से में आ रही हो तो मेरा ख्याल और अच्छा होता है कि अपने सक्सेस को आप शोर मचाने दें, खुद मौका ना करें। तो कल यहाँ से कामरा मैंने भी कहा था कि वो मतलब वो शायद इससे बेहतर अंदाज हो सकता था उसको सेलिब्रेट करने का, जिस तरह उन्होंने किया वो एक खामोश अंडर इशारा। इंटरेस्टिंगली टू माई सरप्राइज उन्होंने आज उसको काइंड ऑफ जस्टिफाई भी किया है आमिर जमाल साहब ने। वो क्या कहा जरा देखिए, मेरे मशवरे की कोई हैसियत नहीं है लेकिन मेरा एक बड़ा भाइयों वाला एक मशवरा है कि अभी आप बहुत अर्ली स्टेज पर, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ दें, अल्लाह करे इंशाल्लाह देगा, इट इज़ टू अर्ली। आप बल्कि बहुत कामयाबियाँ दे भी तभी शायद इस तरह का कॉमेंट मेरे ख्याल में मुझे नहीं समझ में आया। एटलीस्ट क्या कहिएगा कामरान भाई? इनमेच्योरिटी और जो कल मैंने बात की थी, नेचुरल हो ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है। सही है, पहले से सोच के आए हो ना वो अच्छा नहीं लगता। अभी अर्ली स्टार्ट है, ठीक है, टेस्ट मैचेस में उसने अपने आप को दिखाया, अच्छी परफॉर्मेंस दी है और अलग अलग बहुत बड़ी परफॉर्मेंस। अभी वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत कुछ करना, अभी हासिल करना है। हाँ। खेलता जाएगा तो अच्छा ऑलराउंडर बन जाएगा, अच्छा बनने के साथ फिर और खेलेगा, वर्ल्ड क्लास बन जाएगा, जैसे पास में रजाक भाई या अजहर महमूद होते थे। पहले उतनी क्रिकेट खेल लें फिर कुछ सोचें। ग्रेट एग्जांपल ग्रेट सचिन तेंदुलकर की है, सही है, बाबर आजम की है, अभी कितना क्रिटिसाइज उसकी कप्तानी पे किया, सब कुछ किया, लेकिन उसने जवाब अपने बल्ले से दिया। हाँ, हाँ। तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड क्लास बनने के लिए ना अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करें तो ज्यादा अच्छा है। अभी इस स्टेज पे और वैसे हर स्टेज पे भी ये ज़हनियत है कि चलना कि जो भी मेरे खेल पे क्रिटिसाइज कर रहा है वो अपनी दुकान चलाने के लिए कर रहा है, ये ठीक ठाक है। आई एम सरप्राइज, इट इज रिडिक्युलस। अभी कामरान मिसालें दे रहे हैं, कामरान की अपनी मिसाल है, इनके ऊपर कैचेस के ऊपर कितने मीम्स बनते हैं, कितना इनको इन पे मजाक उड़ा, लेकिन कोई जवाब दिया तो ग्राउंड में दिया ना। तो प्लेयर को ये सोचना है कि मुझे जवाब देना है ग्राउंड में देना है। वो उन्होंने कहा मैं नई नई चीजें ट्राई करता हूँ, ये वो नई चीज नहीं होनी चाहिए, ये आप गेम से करें और अपने गेम से चुप कराएं। हालांकि आपको पता है रोज कामरान भाई जब एयरवाई आते हैं तो हर बंदा इनको कहता है कि यार आप थ्रेडिंग करा के आए हो, अच्छी लग रहे हो, लेकिन मजा ले उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। मैच्योरिटी इसको कहते हैं। सो अब ये कल के यानी आज जो मैच हुआ है जिसमें पिशावर जीत गया मुल्तान हार गया, इसके बारे में किसने क्या प्रेडिक्ट किया था वो जरा दिखा दें। दिखाया भाई क्या प्रेडिक्ट किया था किसने, कल क्या होगा पिशावर या मुल्तान? कल मेरे ख्याल से मुल्तान का दिन है। अच्छा ओके सर, मुल्तान मियां, कल पिशावर। पिशावर ओके सर, पिशावर पिशावर। हाँ सर, कामरान भाई मुल्तान, मुल्तान ही को जीतना चाहिए। ओके सो नजीब भाई और बासित भाई की प्रेडिक्शन जो है वो, अरे आते ही देखे पहला दिन, पहला दिन देखें यार मैं बताऊं खड़े होके, खड़े होके सर, ये सिग्नल है यहाँ आने का। बसी भाई अभी जब आप दिखा रहे थे ये पीछे से ये कर रहा था। अच्छा ऐसे नहीं, पहले यूं और फिर यूं। देखिए मेरी प्रेडिक्शन तो गलत नहीं हुई। क्यों आपकी गलत हुई ना? आपने कहा अगर आप वीडियो को और से देखे तो मैंने कहा था कि कल मुल्तान का दिन है, मैच आपने रात को रख लिया, तो दिन मुल्तान का था, रात नहीं थी उनकी। अच्छा आप समझ, मैं सही मौके जाता हूं। वाओ सर, चले मैं अगर इजाजत है मैं जरा सर आपसे गपशप लगाता रहूंगा थोड़ी देर में, जरा मिफ्ता सर से थोड़ी सी। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट सर, आपकी गाजर नजर आ रही है। चले तो मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ हैं।